हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल थ्री गॉर्नर। ओके गाइस, तो आज हमें पिज्जा खाने का मन हो रहा था तो हम यहाँ पे आ गए हैं विलियम जॉन्स में। ये कलोल में नया ही ओपन हुआ है तो अब हम जल्दी से जाके इसका भी रिव्यू दे ही देते हैं आप लोगों को भी है, देते भी। और जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते और जाते हैं ऊपर और देख लेते हैं कैसा है उनका अंदर के अंदर से कैसे एम्बियंस है, सब कुछ बताएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख ही लिया होगा, बहुत ही अच्छा है एम्बियंस। तो अभी चलो ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग अनलिमिटेड के पैक्स है तो अकेला पिज्जा तो खाने का मजा नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे अनलिमिटेड ही मंगवाएंगे। और लंच का अनलिमिटेड का पैक यहाँ पे 219 है और डिनर के लिए इफ यू वॉन्ट टू कम देन आपको पे करना पड़ेगा 269। तो अब जल्दी से हम दिखा देते हैं आप लोगों को स्टार्टर्स। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये अपना फ्रूट हो गया, ये अपना कोल सलो, ये अपना पाइनएप्पल कोन, ये अपना मिक्स ग्रेवी बेस, ये पाइनएप्पल कुकुम्बर, ये अपना फुसली हो गया, ये क्या है? ये फुसली। ओके, ये अपना पास्ता ही है ना? हाँ पास्ता है, फुसली पर इसका नाम फुसली है। और ये आपका कुकुम्बर हो गया, कैरेट कुकुम्बर, ये चीज़ मैगरोनी, ये अपना मिक्स पीपी, ये डेटन्स केविल, ये अपना मैनोज का ड्रेसिंग, ये मैडम 1000 ड्रेसिंग, ये अपना स्पाइसी पोटैटो, ये सोया चाट, ये आलू चाट, ये स्पाइसी पास्ता, चना चाट, सीजमेंट नूडल्स, पीनट चाट, फ्रूटी पास्ता और चिप्पी और कैरेट रेजिम हुआ सर। ये अपना ये छोले है, छोले, ये अपना ब्रेड है नॉर्मल, और ये चाइनीज पास्ता, ये फ्रेंच फ्राई, ये अपना चाइनीज फ्राई राइस है, ये अपना टोस्ट है, ये अपना चाइनीज नूडल्स, ये रेड पास्ता। थैंक यू सर। ओके गाइस, तो लेट्स टेक अवर स्टार्टर्स फर्स्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम फ्रूट्स ओवर हियर, सो आई एम नॉट गोना टेक सम फ्रूट्स बिकॉज आई डोंट वांट टू ईट हेल्दी टुडे। So let's move forward. Okay, so these all are cold salads. इन लोगों ने सारे fruits और veggies को mayonnaise के साथ mix कर दिया है, तो I'm gonna take one or two from here. So let me think. I think I will choose corns. This one. Corns वाला ले लेते हैं, देखते हैं कैसा है taste में। फिर ये है इन लोगों का पास्ता, पर मुझे नहीं लगता कि पास्ता इतना यमी लुकिंग दिख रहा है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा रेड सॉस में इन लोगों ने चना और वो सब डाला हुआ है, तो अब हम ये ले लेते हैं कि ये है कैसा है, तो हम उसको भी ले लेते हैं थोड़ा सा। फिर ये इन लोगों ने वो पर्पल वाली कैबेज आती है वो, और सारी कैबेज को मिक्स करके इन लोगों ने एक सैलड बनाया है, तो वो भी मुझे नहीं लेना है। और यहाँ पे कम क्लोज है, इन लोगों ने ऐसा ही कुछ सॉस जैसा रखा हुआ है, इफ़ यू नीड सम एक्स्ट्रा देन यू कैन टेक इट। ओके, तो अब हम उस साइड चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सारे कोल्ड सैलेड्स ही है, पर इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है मुझे, ये ले जैसे ले। कि क्या ये भी अच्छा है, हाँ ये भी much. हाँ ये चिक पीस है, ये भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो लेट्स टेक इट। आई थिंक आई नीड वन मोर प्लेट। यहाँ पे इन लोगों ने ये सैलड बनाया है, ये क्या कहते हैं इसको, पीनट सैलड है, तो ये भी थोड़ा सा ले लेता है टू टेस्ट। देन नेक्स्ट अप वी हैव सम नूडल्स, इट्स रेड सॉस नूडल्स, तो इसका और पास्ता का टेस्ट थोड़ा सिमिलर ही होने वाला है, तो आई एम गोना स्किप इट। और ये इन लोगों के कुछ
पोटेटोज है, फ्राइड पोटेटो, तो लेट्स टेस्ट इट। ये कुछ नया लग रहा है, हाँ ये सोया चंक्स है, सोया चाप, ये सोया चाप है, तो थोड़े से सोया चाप भी हम ले ही लेते हैं, और ये भी पोटेटो ही है तो स्किप कर लेते हैं। अब सारे जो है वो अब मिल दिखाएगा आप लोगों को। ओके गाइस, तो आपने सारे कोल्ड सैलेड्स तो देख ही लिए, तो चलो अभी मूव ऑन करते हैं हॉट सैलेड्स पे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रेंच फ्राइज, तो वो थोड़े फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं हम। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये है चाइनीज पास्ता, तो थोड़े वो भी टेस्ट कर लेते हैं। और अभी गाइस देख सकते हो स्टार्टर में छोले भी आ गए हैं, छोले है और ये ब्रेड है जिसके ऊपर मस्का लगाया हुआ है, बटर लगाया हुआ है। तो चलो एक ब्रेड ले लेते हैं और थोड़े छोले। वैसे छोले देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं टेक्सचर वाइज। चलो आई थिंक यू नीड वन मोर प्लेट। हाँ प्लेट। तो ये है फ्राइड राइस और ये पता नहीं क्या है, यहाँ कुछ ब्रेड जैसे ही लग रहा है, ये टोस्ट ब्रेड है। ओके ओके ठीक है, चलो इसके लिए एक ले लेते हैं। और यहाँ पर ये है चाइनीज नूडल्स, हक्का नूडल्स, सॉरी नूडल्स चाइनीज ही होते हैं। और यहाँ पर ये है रेड सॉस पास्ता जो कि अभी लेना है, चलो ले लेते हैं थोड़ा। ओके गाइस, तो चलो अभी इसको हम टेस्ट करके दिखा दें कि कैसे कोल्ड स्टार्टर में। चलो ये देते हैं, ये कुछ पता नहीं चिक पीस का उन्होंने कुछ सैलेड दिया है। वैसे मुझे तो सारे कोल्ड स्टार्टर एक ही जैसे टेस्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये छोले हैं ना, ये दोनों चिक पीस का है सैलेड्स, और ये कॉर्न का है। ये कॉर्न क्या है, डिसेंट है गाइस, कॉर्न वाला अच्छा है। और फिर यहाँ पर इन्होंने सोया चाप दिए हुए हैं, तो चलो सोया चाप टेस्ट करते हैं। और मैं ये बॉयल पोटेटोस टेस्ट करता हूँ। सोया चाप ऐसे मतलब इतना अच्छा लग नहीं रहा है, ठंडा अच्छा नहीं लग रहा है, अगर गर्म होता तो और मज़ा आता। और यही मसाला आलू जैसा कुछ है, और ये पीनट सैलेड है। सबसे अच्छा यही है, ओरिजिनल सैलेड। खट्टा बहुत है, मज़ा आएगा, एकदम मसालेदार चटपट आए। सो गाइस, अब हॉट स्टार्टर में जा रहे, टेस्ट कर लेते हैं। कहाँ जा रहे? ये पहले हक्का नूडल्स, हक्का नूडल टेस्ट कर लेते हैं। और चलो गाइस, मैं छोले पे टूट पड़ता हूँ अभी। एकदम स्पाइसी है, बहुत टेस्टी, लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया इसलिए। छोले कैसे? छोले एकदम ही अच्छे है, छोले मस्त है, छोले टेस्ट करो। छोले वो वैसे भी मेरे फेवरेट है, देखते हो क्या। और छोले के साथ इन्होंने ब्रेड दिया है, कुलचा या तो फिर भटूरे ऐसा कुछ रखना चाहिए। वैसे ये हॉट सैलेड भी कोल्ड ही हो चुका है, वैसे भी बहुत टेस्ट है छोले, तो बहुत टेस्टी है। छोले एकदम मस्त, पास्ता ठीक ठाक है, पास्ता में टेस्ट कर लेता है। छोले बहुत ही अच्छे हैं यार, छोले बहुत टेस्टी है। तो गाइस फ्राइड राइस अभी टेस्ट करते हैं। वैसे मुझे फ्राइड राइस इतने अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन चलो देख लेते हैं। मैं भी डिसेंट टेस्ट है, और इन्होंने साथ में कुछ टोस्ट जैसा कुछ दिया है, और ये रेड सॉस पास्ता है। ओके गाइस, तो अब हमारे पिज्जा स्टार्ट हो गए, स्टार्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिला है गार्लिक ब्रेड। आप लोगों को आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि आपको बहुत भीड़ है तो क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी। हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर वॉइस आ जाए, तो जल्दी से हम ट्राई करते हैं। पहले मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ ओरिगानो और चिली फ्लेक्स, फिर टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है। लेट्स टेस्ट इट, चीयर्स। Thank you.
अच्छा प्लेन प्लेन गार्लिक ब्रेड नहीं है, उन लोगों ने वेजेस भी डाले हुए हैं, ऑनियन कॉर्न्स और कैप्सिकम। ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हो दो पिज्जाज आ गए हैं। ये है सेवन चीज पिज्जा जिसका एक बाइट मैंने ऑलरेडी ले लिया है, और ये है चीज ब्लास्ट पिज्जा। तो जल्दी से हम टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। वैसे मैंने ये ऑलरेडी टेस्ट कर दिया, काफ़ी अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा चीज़ है और गर्म भी बहुत है। देखो काफ़ी कूल हो रहा है, जैसे लाबिनोस का सेवन चीज होता है उसके जैसा तो नहीं है, पर अच्छा है, चीज़ का टेस्ट अच्छा आ रहा है। ये तो बहुत हॉट है अभी। बहुत काफ़ी यम्मी है, इसमें देखो बेबी कॉर्न, कैप्सिकम, सब सब्जियाँ डाली हुई है। इन लोगों का जो पिज़्ज़ा बेस है बहुत ही गर्म है अभी। पिज़्ज़ा बेस में इन लोगों ने सिर्फ टोमेटो केचप लगाया है, प्रॉपर पिज़्ज़ा बेस में पिज़्ज़ा सॉस नहीं है। आप लोग देख सकते हो लेकिन सिर्फ केचप ही लगा के उन लोगों ने चीज डाल के दे दिया। लेकिन इसमें देख अनलिमिटेड है, फिर भी इसका बेस बहुत सॉफ्ट है। लगता नहीं है कि ये बेस खा रहे हम। ओके गाइस, तो आपने जैसे देख लिया चीज़ ब्लास्ट और कौन सा था सेवन चीज़। अभी यहाँ पर टोटल फोर टाइप्स के पिज़्ज़ा मिलते हैं, तो ये हमने ले लिया है पफ पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा टॉपिंग तो सेम ही है, खाली इसका बेस है वो पफ जैसा है। तो चलो जल्दी से टेस्ट करके बताते कि ये कैसा है। काफ़ी यूनिक लग रहा है, इसका जो बेस है पफ वाला वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ही क्रिस्पी बेस है, मज़ा आ रही है खाने में। मतलब जो पफ खा रहे हो वैसे ही फीलिंग आ रही है, चीज़ पफ खा रहे हो वैसा ही लग रहा है। अब और इसके है, साथ है थिन क्रस्ट जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप ही आपके लिए टेस्ट कर लेते हैं पनीर और ये थिन क्रस्ट नहीं दिया इन लोगों ने, तो अब जल्दी से हम टेस्ट करके बता देते हैं कैसे। अगर आप लोगों को क्रिस्पी पिज्ज़ा पसंद है तो आप ये ले सकते हो, काफ़ी क्रिस्पी लेयर है इसका और बेस काफ़ी क्रिस्पी है और अच्छा लग रहा है। तो पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, चटपटा जैसे बोला है वैसे टेस्ट अच्छा आ रहा है। टेस्ट तो वैसे चटपटा लग रहा है, बाकी उसमें पिज़्ज़ा सॉस तो सब में सेम ही डाला हुआ है। इसमें कौन से है, टमेटोज है और पनीर है। और वैसे आप अनलिमिटेड के हिसाब से देखो तो पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा है। गाइस आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके गाइस, तो लास्ट में इन लोगों ने दे दिया है डिज़र्ट। हमारे डिज़र्ट में इन लोगों ने दिया है आइसक्रीम विद ब्राउनी, हॉट ब्राउनी और कोल्ड कोल्ड आइसक्रीम है। तो जल्दी से इसका भी हम रिव्यू दे देते हैं जल्दी से। वैसे इसमें तो ब्राउनी और आइसक्रीम तो आपने चखी होगी, सेम ही लगती है। ब्राउनी एकदम फ्रेश है, अभी बनाई है। आइसक्रीम में लोगों ने का क्रीमी नहीं है, वैनिला है, पर जो प्रॉपर क्रीमी आइसक्रीम होता है वैसा नहीं लग रहा है। अच्छा ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा रहा गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। How did I see you running? How did I get left behind?